जय माता दी दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए 21, 22, 23, 24 अप्रैल 2020 के दैनिक राशिफल की। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपके आने वाले दिन कैसे रहेंगे। 21 अप्रैल के दिन आप अपने आप में एक स्थिरता दृढ़ता महसूस करेंगे। एक ऐसी दृढ़ता और स्थिरता का अनुभव होगा जो आपको अंदर से शांत कर देगी। हलचल आपके अंदर नहीं रहेगी ज्यादा, आप ज्यादा ललायत नहीं रहेंगे, आपके अंदर का एक लालच खत्म हो चुका होगा। लेकिन इन सबके बावजूद आपको चाहिए कि आप अपने इस शांत स्वरूप को एंजॉय करें और कोशिश करें कि इस एक दिन यानी कि 21 अप्रैल को बहुत ही आनंद पूर्वक अपने साथ समय बिताएं। आप कई बार दूसरों के लिए काम करने की कोशिश करते हैं, कई बार दिखावा करने की भी कोशिश करते हैं और कई बार ऐसी कोशिश करते हैं कि लोग आपके लिए काम करें। लेकिन 21 अप्रैल को आपको ये सब चीजें नहीं करनी है। 21 अप्रैल को आपको सिर्फ अपने लिए काम करना है और काम भी क्या करना है, आनंद लेना है, एंजॉय करना है। 21 अप्रैल के दिन को आप जितना ज्यादा खुद के साथ सेलिब्रेट करेंगे, आप देखेंगे कि आपका दिन उतना ही ज्यादा सुखद जा रहा है और लोगों को इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे, दुख आपके पास अपने आप आ जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि लोगों को आप अपने पास से हटा दें। अगर लोग स्वयं आना चाहते हैं तो उनका स्वागत करें, लेकिन किसी को पकड़ करके अपने पास ना लाएं। 22 अप्रैल को आपको एक चीज समझनी होगी कि अगर किसी मामले पर आप मदद चाहते हैं और आपको मदद नहीं मिल रही है तो आप अकेले भी काफी हैं। अपनी मदद करें और आगे बढ़ें। अपने लक्ष्य को सही ढंग से देखें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुद मेहनत करना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि आप कई बार लोगों की मदद चाहते हैं लेकिन लोग आपकी हेल्प नहीं करते हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि कभी एक समय ऐसा भी था जब आपने उन लोगों को इग्नोर कर दिया था और अब वे आपसे अपना बदला ले रहे हैं। तो अगर कोई आपसे बदला लेने के लिए आपकी मदद नहीं कर रहा है तो उसकी और से मन को खट्टा ना करें, मन को मैला ना करें, कोशिश करें आने वाले समय में जब लोगों को जरूरत हो तो आप उनकी मदद के लिए खड़े रहें। वर्तमान समय में आपको उन लोगों से अपना बचाव करना होगा जो आपको पर्सनल अटैक करना चाहते हैं और आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, तो इसलिए 22 तारीख को सावधान रहिएगा। 23 अप्रैल के दिन आपके परिवार में किसी के स्वास्थ्य में सुधार आने पर सुखद एहसास आपको होगा। इसके अलावा पुराने रिलेशनशिप में अगर कड़वाहट आ गई थी या फिर कोई संबंध विच्छेद हो गया था तो वहाँ पर भी उस रिलेशनशिप के रिबिल्ट होने की संभावनाएं 23 अप्रैल को बन रही हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर संबंधों का पुनः बनना है और दूसरे व्यक्ति आपसे रिलेशन को वापस जोड़ना चाहते हैं तो उन्हें पहल करने दीजिएगा। आप तब तक न्यूट्रल रहें जब तक कि सामने से पहल ना हो। हाँ, एक बार पहल होने के बाद ज्यादा रूड होने की आपको आवश्यकता नहीं है। 24 अप्रैल के दिन आप थोड़ा सा अकेलापन महसूस कर सकते हैं जब आप अपने आप को इंट्रोवर्ट जैसा फील करें। जब आप अपने आप से बातें करते हुए भी अपने आप को देख सकते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि अगर आप चिंतन मनन करें तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। यानी कि ये खुद से होगा, आपके अंदर से ऐसा आएगा, आप अपने आप से बातें करेंगे। आपको 24 अप्रैल के दिन को इस्तेमाल करना चाहिए आप अपने कुछ गुण समस्याओं को खुद ही सुलझाने के लिए। जब आप अपने आप के साथ बैठ करके विचार विमर्श करेंगे तो उस प्रकार के विचार विमर्श से कई सारे निष्कर्ष निकल कर आएंगे और आप देखेंगे कि आपको दूसरों से राय लेने की जरूरत नहीं है। राय आपके भीतर ही छिपी हुई थी जो अब बाहर आ गई है। इसके अलावा आप अपना मार्गदर्शन खुद करने की कोशिश करें और इस बारे में विचार करें कि भविष्य में आपकी योजना क्या होगी। तो आप अगर 24 तारीख को अपने साथ बैठते हैं तो इन सब पहलुओं पर विचार जरूर करें। कुल मिलाकर प्रेम संबंधों के लिए 22, 23, 24 अप्रैल ये तीनों दिन सामान्य हैं, जबकि 21 अप्रैल का दिन सबसे बढ़िया है। तो दोस्तों, ये था कन्या राशि वालों के लिए 21, 22, 23, 24 अप्रैल 2020 का दैनिक राशिफल। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।